जोधपुर से नव निर्वाचित बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत से बात की। आपको बता दें कि हमारे दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण ने, आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। सिंह शेखावत मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। एक साइड सबसे बड़ी सीट और सबसे ज़्यादा फेमस सीट से आप जीत कर आए हैं और सीएम के पुत्र को भारी जो है वोटों से हरा के आए हैं, अब आगे क्या? आगे देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सब लोग मिलकर के काम करेंगे और जिस तरह से माननीय मोदी जी ने तय किया है कि देश के 75 साल पूरे होने तक आज़ादी के जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन सबको पूरा करने के लिए काम करें। थी कि बिल्कुल ऐसा ही परफॉर्मेंस रहेगा आपको और इतनी बारी उम्मीद बहुत छोटा शब्द है। मैंने हमेशा कहा था कि मुझे विश्वास है और पूर्ण विश्वास है कि हम 25 कमल खिलाएंगे, हम जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभाओं में जीतेंगे और उससे भी ज़्यादा मेरे लिए तो खुशी की बात यह है कि हम अशोक गहलोत साहब का खुद का जो बूथ है जहाँ वोट कास्ट करते हैं वहाँ भी उनको हरा करके आए। सर एक मेरा अंतिम सवाल, अब जो नई जिम्मेदारी आपको मिलने जा रही है वो क्या कुछ होगी और क्या आपने उसका प्रारूप सोचा? मुझे लगता है कि ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है, वो जिसको जित काम देंगे। वैसे भी जिस विचारधारा से हम आते हैं उस विचारधारा में व्यक्ति का दायित्व कभी महत्वपूर्ण नहीं होता। व्यक्ति को जो जिम्मेदारी जिस क्षेत्र में उपयोगी समझा जाए वो काम दिया जाता है। मुझे जोधपुर की जनता ने इतना बड़ा काम दिया, मेरे लिए वो प्राथमिकता है। तो फिलहाल अब देखने वाली बात यह है कि कौन सा मंत्रालय जो है केंद्रीय जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत उनको मिलता है इस बार, क्या कैबिनेट में उनको शामिल किया जाता है या नहीं, क्योंकि जोधपुर जैसी बड़ी सीट से और वैभव गहलोत के सामने एक भारी बहुमत से जीत करके आए हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ प्रीत किरण सिंह, A1 TV दिल्ली।